इसीलिए मैंने चश्मा पहन लिया, इसीलिए ये मत समझ कि मंदिर जाके फैशन मार रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल दी राणा सिस्टर। और अभी हम सुबह सुबह उठ के ये व्लॉग शूट कर रहे हैं। इसने इतना गंदा पोहा बना रखा ना, क्या बताऊँ। मतलब और दिन मैं इसकी तारीफ करती हूँ इसके पोहा की, बट माँ कसम मस्त से लग रहा है जैसे खिचड़ी खा रही होंगी, वो भी गंदी सी खिचड़ी। इसने पोहा को ज़्यादा गीला कर दिया, इसने पोहा में जख्या नहीं डाला और इसने मेरे पोहा में नींबू भी नहीं डाला। तो गाइज हाँ, हम लोग जा रहे हैं मानक स्थित मंदिर, क्योंकि हम आज वहाँ पे प्रहान को लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब से वो हुआ तो उसको मंदिर नहीं लेके गए थे। उन्होंने यहाँ से बाथरूम से तो नहीं सुन लिया था। तो हम प्रहान को मंदिर नहीं लेके गए थे, तो उसको यहाँ पे, हम जहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे सारे लोग मानक सिद्ध जी को मानते हैं, तो हम मंदिर जा रहे हैं प्रहान को लेके। और प्रहान भी रेडी है बेबी, आज हम अपनी बहू और पोते को मंदिर लेके जा रहे हैं। चल मोंटी पीछे से लॉक कर दरवाजा। मैं भी रेडी होके कुर्ती पहन के मंदिर जा रहे हैं आज। और हमारे सामने वाले ग्राउंड में आज क्रिकेट का मैच चल रहा है। अभी हम निकल गए और ये हमारे घर का रास्ता इतना खराब है। गाड़ी देख के उतर। मंदिर के अंदर घुस चुके हैं और मैंने इसीलिए पहना है क्योंकि यहाँ कीड़े घूम रहे हैं आंखों पे, और यहाँ पे प्रहान को भी कवर किया है। आगे आ जाना, पता नहीं यहाँ ऐसे बारीक बारीक से कुछ घूम रहा है आँख में, इसीलिए मैंने चश्मा पहन लिया, इसीलिए ये मत समझ कि मंदिर जाके फैशन मार रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तब मिलते हैं। अंदर नहीं है, यहाँ सफाई है। यार ये मजा आ गया।
उनको गाड़ी का भी गाड़ी का वहीं पे करेंगे ना अबे हाइट की छोटी है तू आप तो नहीं है माता तो सभी एक ही हैं बस उतर अमन आया तो था आजकल तो हम चले गए थे वहां वैसे हो गया वहां तो वैसे हनुमान मंदिर में ये लगो ये कहा चढ़ो अच्छा लो जाओ दोनों जाओ दोनों जाओ तो आप ऐसे लोग जय हो बोलो ओ और फिर उसके बाद आराम से आराम से पास ये जी भगवान जी क्या हुआ कुछ लो ये दिखाना चाहिए इसको आगे आगे चल मैं भी बजाऊंगी घंटोली गाइस अब हम मंदिर से तो आ गए हैं और हम जा रहे हैं बैंक ऐसे सर दर्ज के मम्मी मुझे बैंक ले जा रही बहुत पैसा हो रहा बाप काला बोलेगा शादी में तो नहीं जा रही तो गाइस हम अभी मंदिर से घर आ गए हैं भाई साहब बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना मतलब मैं क्या बताऊँ बाहर कितनी गर्मी है फिर बैंक में उन्होंने फैन तक नहीं लगा रखे अपने पीछे तो उन्होंने बढ़िया पंखे लगा रखे हैं हमारे लिए वहाँ पे कोई पंखे नहीं लगा रखे उधर लाइन भी लगी हुई थी उस लाइन में खड़े रहो बाप रे मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी उफ़ मम्मी का काम था इसलिए हमें जाना पड़ा तो आज हम आनंद मंदिर होके भी आ गए हैं क्योंकि हमें बहुत टाइम से जाना था जब से प्रहान हुआ तो हम उसको मंदिर नहीं ले गए इसलिए तो उसको मंदिर लेके जाना बहुत ज़रूरी था तो जस्ट अभी हम पहुंच रहे हैं मंदिर से घर मोंटी और प्रहान तो अंदर जाके एकदम से चितपत हो गए बेचारे सो गए और मैं भी अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ हाँ इसको पानी पिला देती हूँ हाँ इसको लगता है कि ये ना झूले में बैठा है इसलिए उसको ऐसे से अभी खुश हो जाता हूँ मम्मा को तैयार होके देखते ना आ जाता आजा अभी तो खुश हो गई मम्मा को देखिए छादर गायब हो गया किस स्टाइल संभाल के मंदिर में रखो करो ना उसको फिर तब नहीं खोती हो क्या है मानक सिद्ध मंदिर की संभाल दो आप उसको हाँ आप ही रख लो उसको बस ठीक है अभी हम अपना लंच करते हैं उसके बाद रेस्ट करते हैं आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ओके बाय